हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। इस वीडियो से हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपको पता आने वाला है और बाकी भी रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है जी, जैसे कि आप एमटीएस हवलदार देख लें और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में ही आपको हेल्प करेगा। लास्ट 6 मंथ्स के ये वीडियोज़ करंट अफेयर जो हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 6 मंथ्स टॉपिक वाइज करंट अफेयर रहेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब ये कि इसमें हम स्पोर्ट्स अलग देखेंगे, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अलग देखेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, बुक्स एंड ऑदर्स को अलग देखेंगे, अवार्ड्स एंड प्राइजेस को देखेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और लास्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स। ये अगर आप ये सारे करंट अफेयर्स को फॉलो कर लेते हैं तो 80-90% डैम श्योर ये आपके पेपर में आएंगे और आपका करंट अफेयर सेगमेंट जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बड़े ही छोटे छोटे वीडियोस जो हैं, स्मॉल वीडियोस हम बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी इजी रहे और रोज़ रोज़ याद करने में भी ईजी हो। चलें तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स से, सबसे पहले क्रिकेट से। क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे। क्रिकेट पे इम्पॉर्टेंट सवाल आपके हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अब देखें, चलें तो हम स्टार्ट करेंगे 16th इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 2023 में अभी आईपीएल हुए। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब ये आईपीएल हुआ कहाँ पे? इंडिया में। इवेंट कहाँ पे होगा? प्लेस इंडिया। विनर, जीतने वाली टीम का नाम चेन्नई सुपर किंग। रनर अप, जो फाइनल्स में जाके जो रनर अप टीम हुई जो हारी, दैट इज गुजरात टाइटंस। इंपॉर्टेंट है, जीता कौन? आपका चेन्नई सुपर किंग और जो रनर अप हुई गुजरात टाइटंस। आगे आप देखेंगे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात भी होती है। देखो ऑरेंज कैप जो होती है, एक बंदे को ऑरेंज कैप मिलती है, एक प्लेयर को किसको मिलती है? जो मोस्ट रन्स बनाता है, सबसे ज़्यादा रन्स जो बनाएगा उसको ऑरेंज कैप मिलती है। जो सबसे ज़्यादा विकेट्स, जो बॉलर जो है विकेट्स लेगा उसको पर्पल कैप मिलती है। तो ऑरेंज कैप किसको मिली है? शुभम गिल को, और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? डेविड कॉनवॉय। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो सामने आए वो शुभम गिल। एमर्जिंग प्लेयर की आप बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल, और फेयर प्ले अवार्ड जो अच्छा खेला मतलब फेयरली जिन्होंने खेला है वो किसके पास चला गया? दिल्ली कैपिटल्स के पास। ये थे हमारे आईपीएल फॉर मेन। नाउ अभी देखेंगे हम विमेन प्रीमियर लीग से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट अगर आप देखेंगे, पहली बार ही हुआ 2023 में, इवेंट महाराष्ट्र में, विनर जीतने वाला टीम कौन है? मुंबई इंडियंस। वहां पे कौन जीत रहा है आप देखेंगे? चेन्नई सुपर किंग, और लड़कियों में मुंबई इंडियंस। रनर अप दिल्ली कैपिटल्स। लड़कियों की अगर आप बात करें तो पर्पल कैप किसके पास चलेगी? हेले मैथ्यूज के पास, यानी सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने। हेले मैथ्यूज की अगर आप बात करें तो ये एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के लिए खेलती हैं। ऑरेंज कैप मैकग्लेनिंग जो है, ये लड़की जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते बॉलर हैं, सॉरी बैट्समैन है। अच्छे एमर्जिंग प्लेयर अगर आप लड़कियों में देखेंगे तो यष्टिका भाटिया, प्लेयर ऑफ द ईयर नटालिया स्काइवर ब्रंट। अगर आप नटालिया स्काइवर ब्रंट की अगर आप बात करें, ये इंग्लैंड के लिए खेलती हैं, इंग्लैंड टीम के लिए खेलती हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो लड़कियों में से हुए, हेले मैथ्यूज। तो ये हमने देख लिया विमेन आईपीएल या प्रीमियर लीग, उसमें से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। नाउ अगला जो हमारे क्रिकेट से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच, सॉरी प्लेयर ऑफ द मंथ। हर एक मंथ में एक टॉप का खिलाड़ी, उसको ये अवार्ड मिलता है या एक टाइटल मिला जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जल्दी से देख लेंगे, दिसंबर 2022 में हैरी ब्रूक इंग्लैंड, और लड़कियों में से फीमेल में से देख लेंगे तो एशले गार्डनर। जनवरी 2023 यानी कि इस साल का, शुभम गिल मेल कैटेगरी, फीमेल में ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड से। फेब में हैरी ब्रूक इंग्लैंड अगेन मेल से,
और फीमेल में एशले गार्डनर, रिपीट दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के। मार्च 2023 में साकिब अल हसन बांग्लादेश, और फीमेल में हेनरिट इश्म रोवांड हसन। अप्रैल 2023 में फरहान जमन पाकिस्तान से और नरुमोल चायवाई थाईलैंड से, लड़कियों की कैटेगरी में। मई 2023 में हैरी टेक्टर, जो आयरलैंड को बिलोंग करते हैं, और फीमेल कैटेगरी में तिपाचा पुथावोंग थाईलैंड। तो ये हो गए हमारे क्रिकेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस के लिए, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिसमें हम देखेंगे ओलंपिक्स कहाँ होंगे, कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे, एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, इसकी बात हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।